देवभूमि भारतवर्ष में समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म होता है। भगवान श्री राम का भारत की पावन भूमि पर अवतरण देव रक्षा और देव कार्य के लिए हुआ था। ऐसे महापुरुषों का आगमन परमात्मा की विशेष कृपा से होता है। संकट काल में ही भक्तजन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दानवों से देव आतंकित हो जाते हैं। देव भी अकेले नहीं रहते, उनके साथ संत मुनि महात्मा सन्यासी सब की प्रार्थनाएं भी रहती हैं। परमात्मा की कृपा से राम का जन्म अकारण नहीं हुआ। भगवान राम ने सबको आश्वस्त किया। श्री राम कहते हैं, आप निर्भय हो, मैं राक्षसों का विनाश करूंगा। किसी भी देश के आदर्श दानव अथवा दानवेंद्र नहीं हो सकते। यद्यपि देव और दानव दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, परंतु आदर्श तो योगियों में रमण करने वाले राम ही रहेंगे। इंद्र का संबंध इंद्रियों से है, राम हृदय में रमने वाले भगवान हैं। धीरे धीरे युगांतर में इंद्र की दुर्दशा से देवताओं की हीन दशा हो गई। संत तुलसीदास जी ने देवताओं को भी स्वार्थी कहा है, उन्हें कुत्ते के समान बताकर मजाक भी उड़ाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं को भी घृणा की दृष्टि से देखा है, क्योंकि वे बहुत स्वार्थी हो गए थे। पर पूरे रामचरितमानस में देवगण पुष्प वर्षा ही करते दिखाए गए हैं। तुलसीदास देवगणों के सामने राक्षसों से ज्यादा घृणा करते हैं, ज्यादा क्रोधित होते हैं, पर देवताओं से भी वे असंतुष्ट हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझना होगा। ऐसा हुआ विलास अविवेक और अन्याय के कारण। आज हमें राम बनकर रावणों को मारना होगा, राम बनकर अहिल्या का उद्धार भी करना होगा। राम ने जनकपुर जाते हुए अहिल्या का उद्धार किया, उसे इंद्र के पाप से मुक्त किया। राम इंद्र के पापों को जानते थे, उसके पुत्र जयंत और बाली के पापों को भी जानते थे। राम इंद्र के नहीं अपितु कामी इंद्र के विरोधी थे। जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, वह हर समय गद्दी की चिंता में स्वयं भ्रष्ट होता है तथा दूसरों को भी भ्रष्ट करता है। रावण ऋषि मुनियों को मारता है और इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करता है, ऋषित्व से गिराता है। राजा होना बुरा नहीं है, किंतु विदेह जैसा राजा हो। राम अपने समस्त जीवन काल में केवल ऋषियों वनवासियों और पिछड़ों के यहां जाते हैं, कभी किसी राजा के यहां नहीं जाते। केवल एक अपवाद है विदेह जनक के यहां, और वहां भी गुरु विश्वामित्र के कहने पर। राम ने अयोध्या में इंद्र की अप्सरा पद्धति के विरुद्ध एक पत्नी को प्रतिष्ठित किया, साथ ही सीता रहित जीवन भी जिए। सीता के निर्वासन के बाद भी श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, किसी दूसरी नारी से बात तक नहीं की। राम वे आदर्श हैं जो जीवन भर एक के लिए रोते रहे, लड़ते रहे। उन्होंने इंद्र पद्धति के विरुद्ध एक पत्नी व्रत की स्थापना की थी, क्योंकि पति पत्नी की मर्यादा बनानी थी। इंद्र ने अहिल्या के देह को अपवित्र किया था, स्त्री देह अहिल्या का संकट देह संबंधी है। राम विदेह पुत्री को अपनाते हैं, या देह नहीं अभी तो मन के द्वारा किया जाने वाला प्रेम तत्व महत्वपूर्ण है। रावण अपने समय का इंद्र ही था, वह देवेंद्र नहीं दानवेंद्र था। वनवास के समय इंद्र पुत्र जयंत ने सीता के साथ बल का प्रयोग किया था, वह कामी पुत्र था। राम ने उसे दंडित किया, मारा नहीं, सबको मारा भी तो नहीं जा सकता, मात्र एक आंख फोड़ डाली, इंद्र चुप रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र अपने पुत्र के व्यवहार से तंग आ गए थे। राम रावण युद्ध में इंद्र मौन रहे, कितना आश्चर्य, देवों का कार्य और देवेंद्र मौन रहे। राम रावण युद्ध के निर्णायक दौर में इंद्र ने अपना रथ भेजा, राम विजय की ओर थे, फिर भी रथ स्वीकार कर लिया, लौटाया नहीं। दुनिया एक बार फिर इंद्र के स्वार्थ से परिचित हो गई, क्या यह रथ प्रारंभ में ही नहीं भेजा जा सकता था। परंतु राम ने इंद्र को एक काम और सौंपा, राम पक्ष के घायल अधमरों को चैतन्य करने के लिए। इंद्र की सुधा दृष्टि से सभी सैनिक चैतन्य हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां राम के द्वारा इंद्र का अपमान भी नहीं होने दिया।
किंतु एक ऐसा काम सौंपते हैं जिसे वे स्वयं नहीं करना चाहते। महान व्यक्ति सब काम स्वयं नहीं किया करते। युद्ध में लंका विजय पर माला पहनाने वाले इंद्र हैं। ऐसे इंद्रों की कमी नहीं है, राम को इनकी भी आवश्यकता है। शासक को ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है। सबसे काम लेना पड़ता है, क्योंकि युद्ध के साथियों से राजकाज नहीं हो सकता, उसके लिए इंद्र का सहयोग अपेक्षित है। परंतु श्री राम ने इंद्र को अपने दरबार में स्थान नहीं दिया। दरबार में स्थापित हुए हनुमान, इंद्र नहीं, सुग्रीव नहीं और विभीषण भी नहीं। राम के दरबार में हनुमान स्थापित हुए। राम इंद्र के प्रति सावधान थे, उसे दंड देकर पुनः अपने काम पर लगा दिया और पूजा की दुनिया से उसे बाहर कर दिया। पूज्य हुए हनुमान, वनवासी हनुमान हाथ में गदा लेकर राम राज्य की रक्षा करने लगे। हनुमान मन के मंदिर में विराजमान और इंद्र मन के मंदिर से बाहर हो गए। राम की इस विजय को पूर्णता तक पहुंचाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। माता कैकेयी ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर नहीं, अपितु सोच समझकर राम को वन में भेजा था। प्रेरणा राम की ही थी। जब श्री राम के अभिषेक की घोषणा हुई, तब सारी अयोध्या आनंद से विभोर हो उठी, नाच उठी। उस रात श्री राम नियम पूर्वक ध्यान में बैठे हुए थे। श्री राम को ऐसा लगा कि देवता लोग कुछ विनती कर रहे हैं। राम के मन में आभास हुआ कि देवता पूछ रहे हैं कि रावण संहार वाली उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ। उसी समय राम उठकर सीधे मां कैकेयी के पास जाते हैं। कैकेयी कल होने वाली प्रिय पुत्र के अभिषेक की वार्ता से प्रसन्न थी, पर फिर पूछा, राम तुम ये क्या कर रहे हो? लोग मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारे अभिषेक में बाधा डालने वाली हूं। रात में क्या हो गया जो तुम यहां आए हो? राम बोले, मैं क्या करूं मां, मेरी समाधि भंग हो गई। मैं कल राजकाज में बंधने के बाद हिल भी नहीं सकूंगा, पर ऐसा लगा कि देवता लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप राज्य का भार मत संभालिए, अतः कुछ स्वस्थ नहीं हो पाया और मैं आपके पास चला आया हूं। वस्तुतः मेरे मन में राज्य की किंचित मात्र भी आकांक्षा नहीं है। श्री राम माता कैकेयी से कहते हैं कि तुमने मुझे इतनी विद्या सिखाई, उस दंड कला विचित्र गमन श्री का क्या होगा? कैकेयी ने पूछा, बताओ तुम्हें अपनी धनुर्विद्या से क्या करना है? तीक्ष्ण नेत्रों वाली कैकेयी गंभीर हो गई। कैकेयी के सामने स्वयं का और समाज का दंभ खड़ा हो जाता है। महान वेदों के विद्वान पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने वाल्मीकि रामायण के विवेचन में लिखा है कि भौतिकवादी रावण का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि चिंतित थे। रावण की बढ़ती शक्ति को रोकने का संकल्प किया गया। माता कैकेयी को इसकी जानकारी थी। कैकेयी ने समाज के लिए अपने स्वयं को होम दिया, ममता को छोड़ा, कर्तव्य को महत्व दिया। कैकेयी के वर्चस्व ने ही राम को सही दिशा दी, अन्यथा अयोध्या में ही राम कथा सिमट कर रह जाती, भौतिकवादी संस्कृति का वर्चस्व हो जाता। मां कैकेयी एक श्रेष्ठ और कुशल राजनीति की धुरी थी, जिसके कारण राम आज भी सबके आदर्श बने हुए हैं और भविष्य में भी यावत चंद्र दिवाकर प्रिय ही बने रहेंगे। यदि कैकेयी ना होती और तो राम कथा कहां से होती? दुष्टता का दंड मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। रावण को ही देखो, त्रेता युग समाप्त होकर कलयुग आ गया है, फिर भी वह प्रतिवर्ष मारा जाता है। रावण मारा तो बहुत स्थानों पर जाता है, पर उसका तर्पण भी होता है। बस्तर, छत्तीसगढ़ की जनजातियां गोंड, क्षत्री प्रजा पौष की पूर्णिमा से दो दिन पहले अपने गांव के समीप किसी तालाब के तट पर धान की बालियों से रावण के 10 सिर बनाती हैं और फिर गांव का मुखिया तीर मारकर रावण के सिरों को मार गिराता है। इसके बाद चावल और आटे की रोटी पानी में विसर्जित करके रावण का तर्पण कर दिया जाता है। अंत में विभीषण का राज्याभिषेक होता है। क्या कोई बता सकता है इस धरती पर सबसे प्रथम स्वयं सेवक कौन था? पावन भारत भूमि में जन्मे महर्षि वाल्मीकि के महान ग्रंथ रामायण में इसका उत्तर मिलता है। पढ़ो रामायण को और तब समझ में आएगा कि संसार के सर्वप्रथम स्वयंसेवक बजरंग बली भक्त हनुमान जी बने थे। किसी भी राष्ट्र भक्त के मन में हनुमान जी का यही स्वरूप हो सकता है। हनुमान बनकर के ही देश की पर्वत के समान समस्याओं से निपटा जा सकता है।
आज समस्याओं का जो रावण हमारे देश को झकझोर रहा है, उसके विरुद्ध राम भक्तों को ललकारना होगा। आओ सभी हनुमान बनो और राम को मणिमाला की मणि की तरह हृदय में धारण करो। निश्चय ही हनुमान बनने पर लंका पर विजय हो पाएगी और रावण भी मारा जाएगा। नकली हनुमान बनाने से कुछ नहीं होगा, सच्चे हृदय राही राम भक्त हनुमान के बिना उनकी वानर सेना भी कुछ नहीं कर सकेगी। इति ओम सम। जय भारत, जय श्री राम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।